इतिहास एक प्रलयकारी तांडव जार केबे आलोचना हेले प्रत्येकटी ओडिया मन पड़ जाए 1969 से कालरात्रि आउ भय मनर उत्पन्न हुए। केते जीवन केते घर केते ना जीविका से महाबात्या तांडव आगे हार मानी चारिआडे खेली जाइथिला भय। प्रत्येकटी जीवन से जगन्नाथ को प्राण विकल प्रार्थना करुला। पवनर बेग आउ तार गर्जना आगे मुंड नुआई देइथिला आम ओडिशा। आम भारतर पूर्वतटीय राज्य मानक मध्य अवस्थित आम ओडिशा। प्राय अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर बेलू आम ओडिशा बहु प्राकृतिक दुर्विपाकर सामना करिछि। पूर्व रेकर्ड अनुसार स्वाधीनता पूर्व 22 डिसेम्बर 1885 घटी महाबात्या जहाद्वारा सेतबेलर रेकर्ड वर्णित गणना अनुसार 5000 जीवनर हानि घटीला। पर 31 अक्टोबर 1931 रे प्रलयकारी विभीषिका नष्ट करथिला 20000 धनजीवन। आहुरी केतना बात्या तार कराल रूप ओडिशा को देखाई चली जाइथिला तार हिसाब नहीं। सेतबेले इंग्रेज शासन थिला जार क्षयक्षति भरणा पाई जेतिकि साहाय्य मिलवा कथा इंग्रेज सरकार पक्षर सेतिकि साहाय्य मिल पार नथिला। परवर्ती समय 1967 29 अक्टोबर 1971 1977 1920 1996 मसीहार महाबात्या को अंगेली भाईथिला आम ओडिशा। किंतु 1999 अक्टोबर कालरात्रिर लोमहर्षणकारी भयंकर महाबात्यार महाकराल रूप ओडिशा को छारखार कर देइथिला। सेतबेलर ओडिया आर्तचित्कार को समग्र विश्व हृदबोध करथिला। एही महाबात्यार उत्पत्ति अक्टोबर 21 रे फिलिपाइन्स अंतर्गत सुलु सागर होइथिला बोली जाना जाए। यार 4 दिन परे साइक्लोन पश्चिम दिग आड़ को बढ़ी आंडामान सागर रे एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन रे संगठित होइथिला। एही परिवर्तन को लक्ष्य करी जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम 2 घंटा माने भारतीय समय सकाल 7:30 रे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन अलर्ट जारी कला। एहा परे 28 अक्टोबर रे आईएमडी द्वारा घोषणा करा गला कि महाबात्या पारादीप होई गति करिवो एवं सबुठु अधिक क्षति जगतसिंहपुर जिले रे हेबा संभावना। किंतु आरएमसी कोलकाता द्वारा एहा पर जारी करा गला जे एही बात्या पारादीप नुह बात्या सागर आइलैंड दे गति करिवो। एही पदक रिपोर्ट पई सरकार बात्या पे सेतरा पदक्षेप नै नथिले। किंतु पुणी सेही दिन राति रे सेही आरएमसी कोलकाता मत परिवर्तन कले जे बात्या पारादीप दे गति करिवो एवं घंटा प्रति बेग 200 रु 250 किलोमीटर रहिबो। जाद्वारा कुहा जाई पारे जे सरकारन को मध्ये सेतरा समय नथिला सेही परि जरूरीकालीन पदक्षेप नै उपकूलवर्ती लोकन को सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करिया पई सेतेबेले महाबात्या तार रूप देखिबा आरंभ कर सरथिला। एही 2 सप्ताह अवधि मध्ये रे 2 थर प्रलयकारी महाबात्या होइथिला। तारीख अक्टोबर 17 एवं 18 जो गंजाम जिला अधिक प्रभावित होता बहु लोक मृत्युवरण करते। गंजाम गजपति रे बात्या अनुभूत होता। आउ गोटे 28 29 30 अक्टोबर करुण परिस्थिति लोक मैंने किए क्यों काम व्यस्त था। धीरे पवन हठात तार बेग बदल जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बहुत मात्रा प्रभावित होता। 10,000 रु अधिक लोकों मृत्यु होता। 28 तारीख संध्यार सुलुसुलिया पवन आरंभ होई परे 260 किलोमीटर घंटा प्रति बेग पवन होता। मझे मझे 350 किलोमीटर आड़ को गति करुला। जगतसिंहपुर में लैंडफॉल करथिला एही बात्या। आउ केवल एही जिल्लारू ही 8119 लोकों जीवन चल जाइथिला। प्राय 2 किलोमीटर पर्यंत उपकूल आड़ को 30 फुट उच्चर समुद्र ज्वार माड़ी आसला। बालेश्वर भद्रक कटक ढेंकानाल जगतसिंहपुर जाजपुर केन्द्रापड़ा केन्दुझर खोर्धा पुरी मयूरभंज नयागढ़ रे बहु धनजीवन प्रभावित होइथिला। बांग्लादेश म्यांमार मध्य एथिरे अंतर्भुक्त। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमोलॉजी ऑफ डिजास्टर्स अनुसार 10,915 लोकंक मृत्यु बात्या द्वारा घटिछि। किंतु अन्य किछि संस्थांक मतरे बात्या 30,000 रु ऊर्ध्व लोकंक जीवन नैछि। बहु शस्य क्षेत्र नष्ट होई जाइछि। आउ एही प्रकृतिर कराळ काया पवनर बेग झड़ बतासर प्रकोप समुद्रर अशांत लहरी वर्षा वित्पात समग्र ओडिया प्राण को छारखार कर देइथिला। समुद्र उपकूलवर्ती अंचलर भूगोल बदल जाइथिला। प्राय 2 लाख लोक बासहरा हो जाइथिले। बन्या पानी सब घर मानक भांगी रुजि चुरमार कर देइथिला। गछ पत्र घर द्वार चाष जमी दुकान बजार सब छारखार हो जाइथिला। सेतबेलर आकलन अनुसार ओडिशार 624 कोटी 30 लाख ऊर्ध्व संपत्ति ଏହି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। ଗାଈଗୋରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପତା ନ କହିବା ଭଲ। ଆଖି ଆଗରେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ହାତ ଛାଡ଼ି ଭାସି ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ମନ ପଡ଼ିଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ବାତ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ପରେ ବହୁ ଗଛପତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଭୋକ ଉପାସରେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ହରାଇ ନିଜର ଜୀବନ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଇ ପରିବେଶର ବିଭୀଷିକାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାମ କରିପାରିଛି। ଏର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଓଡ୍ରା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପକ୍କାଘର ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ବାତ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।